गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और नेता अपना पिटारा खोलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल और अब राहुल गांधी, दोनों के वादे एक तरह के हैं और राजनीति भी लगभग एक तरह की, यानी कि मुफ्त की सियासत। तो क्या फ्री की राजनीति जीत की गारंटी है? और इस फ्री की राजनीति से फायदा ज्यादा किसको है, जनता को होने वाला है या नेताओं को, राजनीतिक दलों को होने वाला है? वैसे अभी रेवड़ी वाला यह मामला सर्वोच्च अदालत में है, लेकिन उससे पहले सभी दल इसमें आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। अभी गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान भी आएगा और फिर 2024 भी। तो क्या लड़ाई मोदी वर्सेस मुफ्त होने जा रही है? आज चर्चा इसी पर। फ्री की राजनीति जीत की गारंटी। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गैस सिलेंडर जो 8,000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में। फ्री की सुविधा किसको फायदा? जब हमारी सरकार आएगी हम बिजली मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त आपके घर की भी होगी। मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। रेवड़ी कल्चर से राष्ट्रहित या अहित, ये नीति नहीं अनीति है, ये राष्ट्रहित नहीं ये राष्ट्र अहित है। मोदी के खिलाफ सब फ्री है, मुफ्त का डंका देश भले श्रीलंका। एंटी मोदी एजेंडा, मुफ्त का झंडा। 2024 में मोदी वर्सेस मुफ्त। तो राज्य की आर्थिक सेहत कैसी है, आगे उसका क्या होगा, क्या राजनीतिक दल इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? देश की आर्थिक सेहत कैसी है, आगे क्या होगा, क्या इसके बारे में सोचते हैं? या फिर मौजूदा वक्त में जीत मिल जाए इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है? चुनाव से पहले मुफ्त वाली राजनीति हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि फ्री बिजली पानी होगा। प्रधानमंत्री ने हालांकि ये कहा था कि ये राष्ट्रहित नहीं है, ये अहित है। और सवाल यह है कि क्या मुफ्त देना, मुफ्त यानी कि जीत की गारंटी बन गई है? और इसीलिए सभी राजनीतिक दल इस पर लगभग एक समान है। कोई 19 वादा करता है, कोई 20 कर देता है, कोई इससे आगे निकलने के लिए 21 की बात करता है, लेकिन लगभग ये जो फ्री की राजनीति है ये एक तरह से देश में एक पैटर्न बन गई है और इसको सभी नेता फॉलो करना चाहते हैं। तो 2024 में चुनावी मुद्दा क्या होगा, क्या मोदी वर्सेस मुफ्त वाली राजनीति होगी? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि इससे नुकसान होगा, दूसरी तरफ वो राजनेता हैं जो घूम घूम कर मुफ्त वाले चुनावी वादे कर रहे हैं और इसके फायदे भी बता रहे हैं। ...2024 में मोदी वर्सेस मुफ्त। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे, हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। मोदी के खिलाफ सब फ्री है। गैस सिलेंडर जो 8,000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में। मुफ्त का डंका, भले ही देश बन जाए श्रीलंका। 2024 में लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल बाकी है, लेकिन इसकी तैयारी अभी से तेज हो गई है। खास बात यह है कि हर कोई मुफ्त की रेवड़ी का ऐलान कर रहा है। शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अहमदाबाद दौरे से। सोमवार को राहुल गांधी ने यहां पर मुफ्त वाले वायदों की झड़ी लगा दी। 500 रुपए में सिलेंडर और बिजली फ्री, सब देने का वायदा कर दिया। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो 8,000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे।
मुफ्त वायदों की बात हो रही हो तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कैसे पीछे रहते। केसीआर ने कहा, मैं देश भर के किसानों को खुशखबरी दे रहा हूं कि यदि आप एक गैर भाजपा सरकार को चुनेंगे तो तेलंगाना की तरह पूरे देश के किसानों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जाएगा। इसी दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। दिल्ली और पंजाब के बाद केजरीवाल अपना फ्री मॉडल गुजरात और हिमाचल में भी लागू करना चाहते हैं। गुजरात की जनसभाओं में केजरीवाल मुफ्त वाले वायदे अभी से कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी हम बिजली मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त आपके घर की भी होगी। मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, मैं आपको फ्री शिक्षा दूंगा, मैं आपके परिवार का मुफ्त और अच्छा इलाज कराऊंगा, मैं आपकी महिलाओं को हजार हजार रुपए दूंगा। क्या फायदा है बीजेपी में रह के, क्या फायदा है बीजेपी को दोबारा जिता के। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई असर नहीं होता दिख रहा। तमाम वायदों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने इरादों के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। सोमवार को उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद नीतीश कुमार जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी से भी मिले। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी पर किए सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया। आपको चुनावी रेवड़ी राजनीति में नई नहीं है, लेकिन पीएम मोदी से लेकर काफी पहले ही अपना नजरिया साफ कर चुके हैं। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। बहरहाल चुनावी शोर में आज मुफ्त की रेवड़ी का जोर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी रेवड़ी लोगों को खींचती है, लेकिन अगर सरकार सब कुछ मुफ्त में देगी तो उसके पैसे कौन भरेगा? क्या ये सिस्टम देश को आगे ले जाने में सक्षम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय पहले आपसे कराएं। हमारे साथ भारत डांगर है, प्रवक्ता है गुजरात बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत डांगर साहब आपका हमारे साथ। इस वक्त मनीष दोषी हैं जो गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष दोषी जी आपका भी स्वागत है। प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अनुराग ढांडा भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले भारत डांगर जी, ये जो सारे वादे हो रहे हैं ये आपकी सरकार को हटाने के लिए हो रहे हैं, लंबे वक्त से जो गुजरात पर आप काबिज हैं, क्या आपको लगता है कि इस मुफ्त की राजनीति की जो बाढ़ आई है इसमें बीजेपी बह जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के लोग ऐसे वादों से सुपरिचित हैं। आप अगर 2012 का, 2017 का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय पर भी कांग्रेस ने ऐसे ही कई वादे किए थे। एक समय तो ऐसा था कि जब कांग्रेस ने सबको घर देने का वादा किया था, होम देने का वादा किया था, उसके बावजूद भी गुजरात की समझू और हमारे यहाँ शिक्षित एजुकेटेड जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके उनको पसंद किया था। इंग्लिश में कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, मोदी जी ने जो काम किया है गुजरात की धरा पर ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। इसकी वजह से जनता को तय करना है कि किसके साथ रहना है। जिन मोदी जी ने जो घर घर तक पानी पहुंचाया, घर घर तक बिजली पहुंचाई, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं हो तो गुजरात के अंदर है, सबसे अच्छे बस डेपो, एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन हमारे यहां है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हो, रक्षा यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी हो, टीचर यूनिवर्सिटी हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी गुजरात के अंदर है। गुजरात ऐसा पहला राज्य होगा कि जिनके यहां पर सबसे कम जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बात करते हैं ना रोजगार देने की, तो मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि जहां से जिस शासन में, जहां पर कांग्रेस शासन में है, उस राज्य के अंदर
31% राजस्थान हमारे बाजू में ही है। राजस्थान के अंदर 31% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, गुजरात में 2.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने का काम कोई राज्य करता है तो गुजरात करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई फर्क नहीं डालेगा जो वादे हो रहे हैं, लेकिन क्या मनीष दोषी जी आप भी आम आदमी पार्टी के पैटर्न पर चल रहे हैं? वो बिजली फ्री लेकर आए, आप लोगों ने भी कह दिया कि बिजली फ्री करेंगे, बाकी जो पैटर्न अरविंद केजरीवाल वहां जाकर सेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आपको जीतना है तो उससे आगे बढ़ के कहना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी की पैटर्न की कॉपी नहीं करते। हमने तो वही किया जो हमने राजस्थान में करके दिखाया, हमने जो छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। हम वहां अच्छी स्वास्थ्य सेवा देते हैं, पूरे देश ने, देश के प्रधानमंत्री ने भी इसका सबसे ज्यादा तारीफ की। वो राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल जो कोरोना वक्त पे सबसे महामारी में सफल हुआ मॉडल था, तो वो राजस्थान का आरोग्य सेवा का था। हमने वही किया जो राजस्थान में हम चिकित्सा सेवा मुफ्त दे रहे 10 लाख रुपए तक की। तो ये कोई ऐसा नहीं है, हमने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का बोला इसलिए राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया है। मेरे भाई भाजपा के बड़े बड़ी बात कर रहे थे, मैं इसको कहना चाहता हूँ कि गुजरात की हालत क्या है। हम वादे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने शासन में ये सब कर दिखाया, हमने इससे हर जी ठीक है। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, मैं वापस दोषी जी आपके पास आऊंगा। अनुराग ढांडा जी, क्या अब इसमें भी कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा मुफ्त देगा, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? नहीं देखिए, ये दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात है, दोनों पार्टियों ने जीना दुभर कर रखा है लोगों का। ये राजस्थान की इन्होंने बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, 300 यूनिट फ्री देते हैं क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? सरकार है, अगर देने का मन है तो दोनों जगह दीजिए ना, 300 यूनिट सभी लोगों को फ्री दीजिए वहां पर। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा ये बोलते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आके ये काम करेगी, आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर ये सारे काम करना शुरू कर दीजिए, भारत के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, हम जो विचारधारा फैलाना चाहते हैं वो अपने आप फैल जाएगी, वो सारे लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगी। ये कहते हैं 500 रुपए में गैस देंगे, तो ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे क्यों नहीं देते हैं? ये लोग सिर्फ बोलते हैं, इनके चुनावी वादे सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, झूठे जुमले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि एजुकेशन मॉडल गुजरात में बहुत अच्छा है, वहां पर इस तरीके से। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ, गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर है जीतू जी, उन्होंने 2 महीने पहले विधानसभा में ये बात बोल रहे थे कि 6300 स्कूल बंद हो गए, ये आंकड़े ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा, 6300 स्कूल बंद हो गए हैं, 700 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर चलाते हैं पूरा स्कूल, 18,000 टीचर्स की कमी है, 3,000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है। ये सरकारी रिकॉर्ड पर भारतीय जनता पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वधानी जी बोल रहे थे विधानसभा के अंदर। तो कौन से एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं? ये सारी चीजें बदलेगी, ये अब दोनों की दोनों पार्टियां जी। मनीष दोषी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं इस स्कूल वाली बात पे जवाब जरूर लूंगा, लेकिन मनीष दोषी नहीं, सबसे बड़ी बात है भैया जो बी टीम वाले बोल रहे थे कि इधर ऐसा है क्यों राजस्थान, अरे भाई केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार की 2004 से 2014 में हमने 404 और 414 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया था, अभी 1,000 रुपये एजुकेशन की बात आपको मैं बता दावे के साथ कहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, गुजरात जो शिक्षा में कांग्रेस के शासन में 95 तक था तब तक में गुजरात कांग्रेस गुजरात का 9वां क्रमांक था पूरे देश में, अभी गुजरात 1921 में क्रमांक पे हुआ है, भाजपा की देन है। गुजरात में सरकारी शालाएं बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूल का अनशन खुल रही है, कौन सा कॉमर्स के राइजेशन है, व्यापारी का शिक्षा का कौन कर रहा है, फी का लूट का कारोबार चल रहा है, और कांग्रेस के शासन में यूनिवर्सिटी खुली, हमने IIM IIT NIT दिया, भाजपा बताए एक भी इंस्टीट्यूट सरकारी खुली है तो बताए, सब खुल रही है, सरकार के तिजोरी से पैसा जाता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही है, सरकार की तिजोरी से पैसा जा रहा है, प्रजा का पब्लिक का पैसा है, और ये जो इंस्टीट्यूट खुल रही है वो सेल्फ फाइनेंस है, तो ये कौन सा मॉडल है आपका कि आप किस लोगों को बताने? डांगर जी से इसका जवाब देते हैं, इसके बाद मूल सवाल पे वापस लौटेंगे। भारत डांगर जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों स्कूल और शिक्षा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए शुरुआत में वहां के कहा था कि गुजरात के अंदर मैं अब कंपैरिजन देना चाहता हूँ, जब बोला है उन तो मैं कंपैरिजन देना चाहता हूँ कि 55 साल के अंदर 1947 से 2002 तक 55 साल के अंदर गुजरात के अंदर सिर्फ 21 यूनिवर्सिटी थी, जो आज गुजरात के अंदर 103 यूनिवर्सिटीज है।
गुजरात के अंदर कॉलेजों की संख्या पहले 775 थी, आप 3,117 है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस पहले 917 थी, आज मैं बोल सुन लीजिए भैया, आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि पूरे देश में सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर है तो गुजरात के अंदर है, मेडिकल सीट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो गुजरात के अंदर है। गुजरात ने कांग्रेस को बखूबी देखा है, बाजू में ही राजस्थान है। भैया मैं आपको बताता हूँ दो चीजें, राजस्थान का युवा नौकरी के लिए गुजरात आता है, राजस्थान का युवा शिक्षा के लिए गुजरात आता है, राजस्थान का लोग नागरिक अपनी सेहत बिगड़ती है तो आरोग्य की सारवार के लिए गुजरात आते हैं, गुजरात आते हैं मैक्सिमम राजस्थान के लोग। और अभी तो महंगाई इतनी है, प्रदीप कौशल है हमारे साथ, प्रदीप कौशल जी पेट्रोल पुराने के लिए भी यहां आते हैं। किसी भी राज्य की शिक्षा, किसी भी राज्य की सेहत बनाना ही जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं ठीक है हम आएंगे तो अच्छा करेंगे, लेकिन क्या उसके लिए ये कहना जरूरी है कि हम आएंगे तो साहब 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता लीजिए, हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री लीजिए, हम आएंगे तो ये फ्री लीजिए वो फ्री लीजिए, क्या ये कहना आवश्यक है या ये कह देना पर्याप्त है कि ठीक है हम आएंगे तो स्कूल कम से कम 10,000 बनाएंगे, अस्पताल कम से कम 2,000 बनाएंगे, ये बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है क्या? देखिए राजनीतिक होड़ तो चली रही है सभी दलों के बीच में, लेकिन पहले तो कांग्रेस ने जो हाल ही में घोषणाएं की हैं लोक लुभावनी, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि इस समय राहुल जी की जो छटपटाहट है उसको सहज ही समझा जा सकता है। उनके सामने एक तो चुनौती पार्टी के भीतर है उनके नेतृत्व को लेकर के, दूसरी चुनौती पार्टी के बाहर है। सभी विपक्षी दल पहले जिस तरह कांग्रेस की छत्रछाया के नीचे इकट्ठे होते थे अब ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस को थोड़ा कहीं ना कहीं अलग थलग करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चुनौती उनके सामने आ गई है आम आदमी पार्टी की, उसने दिल्ली में कांग्रेस का सफाया कर दिया, भाजपा की सीटें कम आईं असेंबली चुनाव में दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी उसका संगठन एकदम जीवित है और वो विधानसभा में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी ने घोषित तौर पे ये कह रखा है कि वो आम आदमी पार्टी ने घोषित तौर पे ये कह रखा है कि वो कांग्रेस का विकल्प है। ऐसे में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती जिस तरह पंजाब में उसका सफाया हुआ है, उसके हाथ से सत्ता गई है और आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता आई है, तो सबसे बड़ा संकट ये है कि कहीं गुजरात में आकर के वो आम आदमी पार्टी अपनी पंजाब वाली जो भूमिका है उसी में नहीं आ जाए। उसको रोकने के लिए अब उन्होंने जो USP केजरीवाल जी का है कि लोगों को लोक लुभावने नारे दे करके मुफ्त बिजली पानी बोल करके आप लोगों को अपने साथ लगाएं, कांग्रेस वही नकल करती दिखाई दे रही है। उसके अंदर उसने तो कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ दिया है। जी जी, अब मनीष दोषी जो प्रवक्ता हैं वो आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनीष तो, दोषी मैं बहुत नम्र भाव से कहना चाहता हूँ, राजकीय विश्लेषक अपना जो चश्मा है वो थोड़ा और साइड भी देखे। आपको पता होना चाहिए कि 2014-14 में कांग्रेस ने राइट बेस्ड गवर्नमेंट देके हमने शिक्षा का अधिकार दिया, कहां कौन सी कॉपी थी, किसकी कॉपी थी, और दिल्ली में जो मॉडल है तो वहां एडहॉक टीचर का है, गुजरात में प्रवासी शिक्षक है। आप बता दीजिए ये दोनों भाई बहन है, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने वाले, विभाजन की राजनीति करके वोट के, कांग्रेस ने तो वही किया जो कांग्रेस अभी से कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से सबसे देश बना, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस कौन सी कॉपी कर रही है राज्य में, लेकिन, लेकिन उस मॉडल पर जनता लंबे वक्त से भरोसा नहीं कर रही है। भी तो मान लीजिए गुजरात में आप हर चुनाव में एक नया मैनिफेस्टो लेकर जाते हैं, जनता भरोसा नहीं कर रही। आप उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से ये मैनिफेस्टो ट्राई कर रहे हैं, जनता भरोसा नहीं कर रही। अब दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में भी जनता आपको शून्य से ऊपर नहीं उठने दे रही है, तो कुछ तो खामी होगी, उसको कुछ तो ठीक ठाक कीजिए। आप बता रहे हैं 1947 का मॉडल 2022 में चलाएंगे तो नुकसान तो होगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का
कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।